तिल के लड्डू, तिल की पट्टी और तिल के गजक बहुत से खाए होंगे। आज मैं तिल से बना रही हूँ तिलकुट। तो चलिए मैं तिलकुट बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तिल को मैं फ्राई कर लेती हूँ, रोस्ट करूँगी। बिल्कुल इतना करेंगे कि बिल्कुल हल्का ही करूँगी, बिल्कुल हल्की सी पिंक कलर का ये हो जाए, इतने ही मैं बस इसको रोस्ट करने वाली हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो पैन गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डालती हूँ, गैस को स्लो या मीडियम पे ही करें, तो अभी तो मैं मीडियम रखी हूँ। तो इस जगह पे मैं मिश्री ली हूँ, छोटे छोटे दाने वाले। आप इस जगह पे गुड़ भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, पिसी हुई भी चीनी ले सकते हैं। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ मिश्री से। तो इस जगह पे मैं पैन चढ़ाई हूँ, पैन में मिश्री डालूँगी और इसमें पानी आधा, जितना चीनी उसका आधा पानी डालूँगी। तो मैं जितना मिश्री ली थी उसी के आधा मैं पानी डाली हूँ। तो इसे बॉयल होने देते हैं। ये देखिए बिल्कुल कलर हल्का सा अलग हो चुका है, और इसको आप अगर मुंह में रखते हैं तो ये बिल्कुल कट सा बोलेगा, इसमें से कोई कच्चापन सा नहीं रहेगा। इस स्टेज पे ये देख लेंगे, इस स्टेज पे उतार दूंगी। तो अब इसमें से कच्चापन हट चुका है और हमारा अच्छी तरह से तिल भी रोस्ट हो चुका है। तो चलिए मैं उतार देती हूँ। तो इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नींबू, और इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। मिश्री मेल्ट हो चुके हैं, अभी ये पानी सुखाना है। इस जगह पे थोड़ी सी इलायची कुटी हूँ, उसे डाल दूंगी, छोटी इलायची को। अभी और भी पकाना है इसे। गैस को मीडियम रखी हूँ। मिश्री का कलर बदल चुका है, ये देखिए। अब इसे और अभी एक मिनट पकाऊंगी। तो इसमें से सोंधापन का खुशबू आने लगी, तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो गैस बंद कर दी हूँ और प्लेट में मैंने घी लगाई हूँ, ये देखिए। अच्छी तरह से इस पे डाल दूंगी। और इसको ठंडा करूंगी। इस तरह से भी कर सकते हैं, एक दूसरे बर्तन में भी रख के डाल के ठंडा कर सकते हैं। तो ये अब गाढ़ा हो रहा है, और भी गाढ़ा होने में सारे एक जगह इकट्ठे हो जाए। इस तरह से लेके और गरम गरम में ही इसको इस तरह से मोड़ना है कि ये व्हाइट हो जाए। तो इसको मैं मोड़ती हूँ, इस तरह से लंबे लंबे करेंगे। तो इस तरीका से मैं जल्दी जल्दी, गरम गरम थी तो मैंने इस तरह से किया, तो इस तरह से हमारा फोल्ड हो गया। अभी ये देख रहे हैं, इस तरह से चमक सा और आ जाता और करते तो, मगर ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसे नहीं करूँगी,
क्योंकि इसको इसी के अंदर मैं इसमें तिल सारे को मिक्स करूंगी इस तरह से। अब थोड़ा सा ये ठंडा हो गया तो तिल को थोड़ा गर्म करके इसमें अच्छी तरह से तिल को कोटिंग करूंगी। तो ये गर्म हो रहा तो देखिए इस तरह से चिपकना चालू हो गया है, तो और भी ये गर्म होगा तो सारे जगह इस तिल को इसमें लिपट जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से गुड़ सभी तिल इसमें गरम गरम में ही बनाना पड़ता है, तो अपने हिसाब से हाथ भी सह सके इस तरह से लेंगे गोल गोल से और एक शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आपके पास कटोरी है, कटोरी तो मैं इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से शेप दे दूंगी। तो इस तरह से फटाफट से दो लोगों की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से फटाफट से मैं देखिए मैं निकालती हूँ। तो ये इस तरह से तैयार हो गया, तो कर लेते हैं सभी को। और ये सूखा थोड़ा सा मैं ये पीस लिए थे तिल को, उसमें सभी को इस तरह से कर देंगे। चलिए मैं फटाफट से सभी को बना के मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से सभी को मैं बना ली हूँ, देखिए आवाज भी आएगा कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए। तो इस तरह से बनाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये तैयार है हमारा मकर संक्रांति के तिल का लड्डू कह लें, तिलकुट कह लें। अगर इसे गोल शेप दे देते हैं तो हो जाता लड्डू, और ये बिल्कुल प्लेन करके काट देते हैं तो हो जाता वो पट्टी। तो आप जो भी समझे, मगर मैं तो बनाई हूँ तिलकुट बनाई हूँ। तो ये आपको ये कैसा लगा हमारा तिलकुट? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।